हेलो अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू योर न्यू व्लॉग। आज ये बहुत ही डिफरेंट तरीके से स्टार्ट हुआ है बिकॉज सुबह सुबह जल्दी जल्दी में मैंने हर चीज़ की है। आई वोक अप लेट एंड देन बहुत सारी कॉल्स और वॉइस नोट्स चल रहे थे ब्रांड्स के साथ, कपड़ों के ब्रांड्स से लिए कि कुछ टेंटेटिव प्रोजेक्ट्स जो कि मुझे करने हैं उनकी कॉल। लाइक मुझे लग रहा था कि आज सुबह क्या दिन है, आज थर्सडे है, मुझे लग रहा था कि सब जाग गए हैं एकदम एक साथ। तो आई वॉज डीलिंग विद दैट, देन आई हैव सम न्यू पॉइंटर्स टुडे तो वो मैं पढ़ रही थी, एंड देन मैं कल क्या बनाना है वो रेसिपी सोच रही थी। सो आई वॉज बेसिकली ऑल ओवर द प्लेस एंड द रीज़न फॉर दैट इज कल मेरी ओ ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। कल जो है वो मेरी नींद सही से पूरी नहीं हुई बिकॉज आबिद रात में आया एंड देन वो अपना लैपटॉप कहीं ही किसी के घर भूल गया था एंड काफ़ी लेट नाइट लाइक वे बिफोर सहरी बट लेट नाइट ही वेंट टू गेट हिज लैपटॉप एंड वो यू नो एक फीलिंग होती है ना कि समवन इज़ नॉट होम आधी रात का टाइम स्पेशली। सो आई हैड दैट फीलिंग, आई कुडंट स्लीप, वो मेरा सोने का टाइम होता है। सो नींदें पूरी नहीं हुई हुई हैं, इट्स जस्ट कम्प्लीटली फाइन बिकॉज कभी कभी होता है ऐसा। एंड व्हेन ही केम बैक तो फिर मुझे वो सुकून वाली नींद आई। तो आई एम श्योर इससे खवातीन रिलेट कर सकती हैं, स्पेशली लाइक लेट नाइट कुछ होता है, आई डोंट नो क्यों लेकिन बस होता है। सो एनी वे आई एम गोइंग टू ए आर वाई एंड ट्रांसमिशन इंशाल्लाह करेंगे अच्छी सी एनर्जी के साथ। और फिर मुझे जाना है वार्डरोब सिलेक्शन के लिए और आज है ईमार की अपनी सॉरी मेरा गला बहुत ख़राब है, ईमार की अपनी गर्ल्स अफ्तार जिसमें हम वन डिश प्लान कर रहे हैं। सो आई माइट ईदर मेक थ्री मिल्क केक जो कि मेरी स्पेशलिटी है, हनी के साथ मैं बनाऊंगी, या फिर मैं काठियावाड़ी चने बनाऊंगी। सो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट प्रेप हैं, मैं देखूंगी मेरा क्या मूड होता है, हो सकता है मैं दोनों चीज़ें बना लूँ, लेट्स सी। काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं मेरे ईमार में नीचे तो अच्छा टाइम उनके साथ स्पेंड करने का, सो आई विल डू दैट एंड ऑफ कोर्स शो यू गाइस आल्सो कि हमारी वन डिश में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सो अभी तो मैं जा रही हूँ बस एयर बाय और आज आई विल नॉट कैप्चर द होस्ट्स, उसकी रीज़न मैंने आपके साथ शेयर कर दी, उनकी ज़बानी बता दी है, बट ऑफ कोर्स सारे जो इधर उधर के बिट्स एंड पीसेज हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो बी विद मी एंड अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कॉमेंट्स में बताइएगा क्या देखना चाहते हैं एंड प्लीज़ टच ऑन दैट बेल आइकॉन सो दैट यू गाइस कैन नेवर मिस एन अपडेट। आ चुका है ए आर वाई, टुडे आई हैव फ्रेश हेयर, इसको बस ब्लो ड्राई कराएंगे, मेकअप जल्दी से हो जाता है एंड उसके बाद बस आपको दिखाएंगे। सो ए आर वाई आते ही ना इट जस्ट ब्रिंग्स अ स्माइल टू माई फेस बिकॉज आई एम लविंग इट। सोचिए अगर मैं ऐसे आ जाऊँ ऑन स्क्रीन तो रेटिंग तो ज़बरदस्त आएगी, नीचे कॉमेंट्स भी पढ़ने वाले होंगे, इसके ऊपर दुपट्टा भी टिक जाएगा। जहाँ जब बाल खोलते हैं तो ऐसे होते हैं और फिर हम चेंज करते हैं, फिर हम चेंज करते हैं थोड़ा सा खराब। हाँ ये तो है, पहले असल में मैं शर्ट इसलिए नहीं पहन के रखती क्योंकि एक तो वो प्रेस हो रही होती है, दूसरा ये कि उसमें मेकअप लग जाता है ना तो बहुत टाइम भी हो जाता है। हाँ और फिर इसलिए भी ख़राब हो जाती है तो इसलिए शर्ट फिर हम आखिर में पहनते हैं तो थोड़े से बाल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, मगर कोई बात नहीं ऊपर से दुपट्टा ही आना होता है। अगली जगह जाने के लिए आसानी हो जाती है। इतनी मेहनत से बाल बनाता कहते आगे तो फिर दुपट्टा आ गया लेकिन उसके बाद जहाँ मैं जाती हूँ ना वहाँ पे फिर मैं वहाँ काम आ जाता है, मैं शो मारती हूँ मैं यार वाई सी कर आ गया। मून आपा को मैंने रिक्वेस्ट की जो बीच में पफ बनता है ना वो बना दें, ऑल तो मुझे पता है बहुत पुराने ज़माने की चीज़ है आगे वाला पफ, लेकिन कुकिंग में भाई आसानी होती है और मुझे हाथों को ना बालों पर हाथ नहीं मारना होता, आई एम लाइक बस मुँह पर ना आए बाकी जो मर्जी करें, रेजर फेर दें मगर मुँह पर बाल वो भी बालना है बस ताकि इसको टच ना करना पड़े किसी तरह। अभी देखते हैं क्या बनाते हैं। मुझे ये दिखाना है लोगों को कि किसी ने पूछा था कि ये टॉपिक कहाँ से मिलता है भाई, ये हर जगह से मिलता है, हर जगह आपको ये सेपरेटली लेना पड़ेगा। अच्छा अलग होता है, हाँ। अलग होता है, दोनों चीजें अलग है। और इसको ऊपर वाले को क्या कहते हैं, नोजल कहते हैं, नोजल इसी का टॉपिक पे ही लगने वाला नोजल और हेयर बिल्डिंग फाइबर्स, और इसका नोजल का ये नाम है स्प्रे एप्लीकेटर और ये टॉपिक है इसका नाम। तो किसी ने पूछा था तो मैंने कहा आपको सही से मैं दिखा दूँ, इस तरह दिखता है टॉपिक, इसका नाम है हेयर बिल्डिंग, लेकिन सबसे अच्छा ये वाला होता है, सबसे अच्छा ये है ना। हाँ तभी हम बोलते हैं टॉपिक कर दो बालों में, हम कुछ और नहीं कहते ना, वो ब्रांड का ही नाम लेते हैं।
ठीक है ये ऐसा दिखता है भाई चले। वालेकुम साहब क्या है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे? आपको नींद आ रही थी ना, आप इस कलर को देखे और आप अच्छा जी, तो आज हम क्या बना रहे हैं, एक बहुत ही आसान सी ड्रिंक हम बनाएंगे, उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम बना रहे हैं नॉन नूडल्स पकौड़े और बर्न्ड चिली सॉस। बर्न चिली सॉस मैंने जब नाम में लिखी थी तो मैंने सोचा कि इन्होंने बड़ा मजाक उड़ाना है कि जली हुई चिली सॉस, जलाता हूं तो बड़ा इतराज होता है, खुद खुशी के लिए बनाया। रेसिपी ही जली हुई है, उसमें बर्न चिली से कहते हैं क्योंकि चिली ऑयल बनता है बर्न चिली से और उसके बाद फिर चिली सॉस बनती है, तो वो बहुत मजे की होती है। कि मैंने एक चाइनीज रेस्टोरेंट में एक बार काम किया था और चोरी बोलने वाली हासिल की गई एक रेसिपी है। अच्छा, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जनाब नूडल्स पकौड़े, जो कि हम बना रहे हैं नॉर नूडल्स पकौड़े। सबसे पहले इसके लिए आपने क्या क्या करना है कि नॉर के नूडल्स ले लेने हैं, जो फ्लेवर आपको पसंद हो, मैं चिकन फ्लेवर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इनको हम बॉयल करेंगे और ये बहुत जल्दी से बॉयल हो जाते हैं, सो एक वक्त दूध का मैजिकल सोल्यूशन है नॉर के नूडल्स। और अच्छा भाई, हमें जाना है वो आपने ई स्ट्रीट देखी डॉर्मल मॉल के सामने, वहाँ वहाँ से बस मुझे वार्डरोब करना है फिर घर। नाउ आई एम गोइंग टू ई स्ट्रीट, देयर इज दिस डिजाइनर जिनकी मुझे दो आउटफिट्स वहाँ से पिक करनी है, मैं कल पहनूंगी और परसों पहनूंगी एंड फिर उसके बाद उनको रिटर्न करनी है। तो वहाँ पे मैं जाने लगी हूँ आउटफिट्स पिक करने के लिए, उसके बाद मैं घर जाऊँगी, उसके बाद जो मेरे पास थोड़ा सा टाइम होगा बिफोर इफ्तार, सो मुझे लगता है कि मैं मिठाई बना के भी जाती हूँ, बिकॉज काठियावाड़ी चलूँगी वो आलू वगैरह को बॉयल करना होगा, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। देखते हैं मेरा क्या मूड होता है, मैं दोनों में से क्या बना के लेके जाती हूँ वन डिश पार्टी पे, आपको भी दिखाएंगे एंड बाकी की सारी डिशेज भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। सो अभी तो हम जा रहे हैं वार्डरोब कलेक्ट करने के लिए फॉर द शो। सैंडर्स लिखा हुआ है ना वहाँ पे, रुकिएगा जहाँ पे मैं पहले भी उतरी थी, आई थिंक यहाँ पे ही रुकिएगा, मैं यहीं से अभी बाहर आऊंगी। बस भाई मुझे जी 5-10 मिनट लगे, नंबर दोबारा बताएं। अच्छा, पता नहीं क्या है। ओहो, मेरे पास वो नहीं है बैलेंस, 5 मिनट बाद आ जाता। ठीक है, पूरे 5 मिनट बाद आ जाएगा, मैं नंबर देख लेती हूँ गाड़ी का, बैलेंस खत्म है मेरे पास। मैंने उनको कहा है कि आप पूरे 10 मिनट बाद बाहर आ जाइएगा। इतना बात हो गई, अभी 3:30। सॉरी सर, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आयशा अब्रार, नुजरत तलहा ने आई थिंक बताया होगा। किस साइड पे नजर डाला? ये मैंने इसकी पिक्चर भेजी है। इसकी पिक्चर भेजी है जी। अच्छा, सही, न्यू कलेक्शन की ना, उन्होंने कहा था कि दो चूज कर लें। ठीक है, एक और देख लेते हैं, लाइट कलर मुझे ज़्यादा पसंद है। कुछ उन्होंने कहा इनमें से किन में से देखना है और किन में से नहीं? कुछ भी नहीं कहा, बस ठीक है, पिक्चर भेजी हुई थी। ठीक है, सही है, चेक करती हूँ मैं। और मेरे पास क्या ऑप्शंस थे, ये वाले ऑप्शंस थे, इसके साथ दुपट्टा नहीं था, सो फिर मैंने ये चूज़ नहीं किया एंड आई अवॉइड ब्राइट कलर्स। ये वाइट मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, बट देन अगेन आई डेंट हैव अ दुपट्टा विद दिस एंड कुकिंग में आई वॉन्ट कि ख़राब ना हो जाए। ये थोड़ा सा शॉर्ट था रमज़ान के लिए, इसलिए मैंने चूज़ नहीं किया एंड ऑल्दो दिस इज़ वेरी प्रिटी। बाय द वे द ब्रांड इज़ नुजरत तलहा, सो ये मैंने चूज़ किए हैं, लाइक इन में से मैंने चूज़ किए हैं। दिस इज़ द ब्रांड एज यू कैन सी एंड दिस इज़ द एम्ब्रॉयडरी, आई एम गोइंग टू वेयर इट विद अ डार्क ब्लू दुपट्टा एंड टेक अ लॉट ऑफ पिक्चर्स। चले जी, वार्डरोब मैंने पिक कर लिया है, चले जी ये सामान अब पिक करेंगे, घर जाएंगे, मिल्क एंड हनी केक बनाएंगे जिसकी बेस रेडी है। अब मुझे उसमें मिल्क ऐड करना है, हनी ऐड करनी है, मैं देखूंगी अगर कोई नट उसके साथ जाएगा, आई डोंट थिंक कि कोई नट जाएगा,
यहाँ से लेफ्ट ले लीजिएगा. और फिर मैं देखती हूँ, आई थिंक पता नहीं क्रीम है नहीं है, अगर नहीं होगी तो मैं क्रीम नीचे से मंगवा लूँगी. ये एक बड़ी आसानी है नीचे मार्ट होने की वजह से कि आपको पहले से सारी चीज़ें रेडी नहीं रखनी पड़ती. एंड देन आई विल डू माई अवतार विद गर्ल्स इन ईमार्ट. अच्छा जी, जल्दी से मैंने मिल्क एंड हनी 3 मिल्क केक बना के रख दिया है फ्रिज में. अब छोटा सा नैप लूँगी, लेकिन मीन वाइल जो मेरी छोटी है वो नाराज़ हुई हुई है. उफ अल्लाह मैडम बहुत नाराज़ है सुबह से. मैडम आएंगी आप प्लीज़? सुबह मामा ने टाइम नहीं दिया और उफ अल्लाह बताएं, वरना आज जैसे ही मैं आती हूँ ये मेरे पीछे पीछे आती है, लेकिन इस वक्त इससे ज़्यादा केयरलेस कोई नहीं है, इनडिफरेंट कोई नहीं है. स्नोबेल प्लीज़ आ जाओ जानू, प्लीज़ मेरे साथ सोने आ जाओ. स्नोबेल आप मेरे पास आओगे? नहीं, फिर मैं जा रही हूँ सोने, चली जाऊँ? रेडी मैं हो गई हूँ नीचे जाने के लिए. आज मुझे इतना मज़ा आया तैयार होके. इट्स अ गर्ल्स अवतार, और गर्ल्स ओनली अवतार की ना एक अलग ही किस्म की एनर्जी होती है. अभी 15 मिनट रह गए हैं अवतार में, मैं नीचे जाने वाली हूँ. बस अभी मैं अपनी डिज़र्ट लूँगी, उसमें स्पून लगाऊंगी, क्योंकि ज़ाहिर है कटलरी भी हम अपनी लेके जा रहे हैं. आई एम सो एक्साइटेड, बट फर्स्ट आई वांट टू शो यू द एंटायर लुक. सो रुके मैं आपको किस तरह लुक दिखाऊँ. This is my entire look, guys. I am wearing this cute pink shalwar kameez with this dupatta, and a bag jisme extra spoons hai if anybody needs it. And today I am ready to go for a girls iftar, one dish in Emaar. Chale, meetha uthate hain. Theek hai. There you go. ये मैंने लगा दिया इसमें स्पून. बाय द वे, अगर आप लोग अभी मेरा व्लॉग देख रहे हैं और आपने कभी भी गर्ल्स ओनली अवतार नहीं किया तो ज़रूर करें, इतना मज़ा आता है ना आपकी दोस्तें नेबर्स. हाँ, डिज़र्ट मेरे हाथ में थी, मैंने अभी यहाँ रखी है, और मुझे बारबेक्यू वाली जो जगह है वो नहीं मिल रही. एंड आई थिंक आई एम जस्ट गोइंग टू फॉलो माई फ्रेंड. हाय, थैंक यू ईस्टर्न, यू नो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. Thank you. I have seen you in Eastern for the first time. You look so different, huh? Acha, main details se dikhati hu. Brownies, donut, berries, bun kebab, I guess. This is chaat. This is some, kya ye? Some Russian salad situation. I don't know ye kya hai. Some fries, some samosas, some delicious looking thing. Some chow mein, some pizza, some pani puri, and assorted veggies, sauteed veggies, some samosas, some chicken sticks, some mouth fresheners, a lot of cold drinks. Hello, hi. It was very smart to tie your hair. Of course, I should have done it. मेरी आवाज सुनते ही घर में ही आई है. गाइस आज इतना बाहर आती हूँ, आज इतना मजा आया, इतना मजा आया. मेरी माँ, मेरी नेबर्स, फ्रेंड्स इतनी सारी बन गई हैं कि बहुत मजा आया. लाइक यू नो टू हैव दिस टाइम, जब आपका टाइम आपका अपना टाइम है, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, सच अ ब्रीदर. बहुत मजा आया, इतना खाना था. आधी से ज्यादा चीजें जो थी वो दही फुल्कियां, चने, चना चाट. मेरी फ्रेंड पिंक पास्ता लाई थी, वो बड़ा ज़बरदस्त था.
बहुत मज़ा आया, बहुत 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 मज़ा आया. एंड अब मैं यहीं पे करूँगी अपना व्लॉग एंड. और आई होप दैट यू लाइक दिस व्लॉग. एंड इफ़ यू वॉच माई वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक शेयर. कॉमेंट्स में बताइएगा क्या देखना चाहते हैं. ऑल्सो क्लिक ऑन दैट बेल आइकॉन सो दैट यू गाइस कैन नेवर मिस एन अपडेट. सी यू टुमॉरो. छोटू पानी पीला छोटू मुन्या चूची चूची.